चिकित्सकों के खिलाफ हिंसा को लेकर पूरे देश में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 22 व 23 अप्रैल को काला दिवस मनाएगी। डॉक्टर्स की सुरक्षा बढ़ाने व पीपीई किट की कमी को पूरा करने के लिए 22 अप्रैल की रात सफेद कोट पहन मोमबत्ती जलाएंगे। 23 अप्रैल को काला दिवस मनाते हुए काली पट्टी पहन अपना विरोध दर्ज कराएंगे। आज देश एक भयंकर त्रासदी से गुजर रहा है और इसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभी डॉक्टर्स देश की सेवा में एक साथ खड़े हैं। पूर्व सचिव IMA उत्तर प्रदेश डॉक्टर राजेश सिंह ने बताया कि डॉक्टर्स के पास कोरोना संक्रमित वाले या अन्य किसी का इलाज करते समय सीमित संसाधन है। डॉक्टर्स के पास PPE किट की कमी है, साथ ही लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टरों एवं नर्सों पर जनता द्वारा हमले किए जा रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है। दुनिया में कोरोना के मरीज या अन्य गंभीर मरीज इलाज के बाद भी मर रहे हैं, लेकिन कहीं भी डॉक्टरों के साथ मारपीट नहीं हो रही है, क्योंकि वहां के डॉक्टरों के साथ ऐसा करने वाले के खिलाफ कठोर कानून है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर 22 अप्रैल की शाम हम लोग सफेद कोट पहनकर मोमबत्ती जलाएंगे। 23 अप्रैल को अपने अपने क्लिनिक पर काला दिवस मनाते हुए काली पट्टी बांधकर अपना काम करेंगे। हमारी मांग है कि जल्द ही IPC की धारा में डॉक्टर्स के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ सबसे सख्त कानून बने। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह। जी सर, आप IMA में किस पद पर हैं इस समय? IMA का मैं पूर्व सचिव हूँ उत्तर प्रदेश का, और इस समय सेंट्रल वर्किंग कमेटी जो नेशनल IMA है उसका मेंबर हूँ। सर, आपसे सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे सर, IMA ने स्ट्राइक कॉल की है, किन मांगों को लेकर स्ट्राइक है और एक कब ये स्ट्राइक है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय हमारा देश एक भयंकर त्रासदी से गुजर रहा है और हमारे देश के डॉक्टर एक सैनिक की तरह लड़ रहे हैं, जिंदगी और मौत से सामना कर रहे हैं। लेकिन इस समय जो हमारे कई डॉक्टर्स हैं उनकी डेथ हो चुकी है, कुछ PPE वो नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं या उनको नहीं मिल पाया है PPE, उसके लिए IMA साथ है सरकार से भी डिमांड किया है कि हमें PPE जल्द उपलब्ध कराया जाए, वहाँ से आश्वासन भी मिला है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि जो हमारे नर्सें और डॉक्टर्स जो मेडिकल हेल्थ वर्कर हैं अपने जान की परवाह न करते हुए मरीजों की ट्रीटमेंट में मरीजों के इलाज में अपना योगदान दे रहे हैं, उनके साथ ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है। और कई जगह तो हमने ऐसा भी देखा है कि उनके ऊपर हमला किया गया, घरों में अगर वो डॉक्टर रह रहे हैं किराए पे तो उनको वहाँ से दवा बनाया जा रहा है कि वो वहाँ से अपने खाली करें और दूसरी जगह जाएँ। ये अत्यंत दुखद की बात है। वैसे तो डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन हम भगवान ना समझे, हमें कम से कम एक इंसान समझे। और हमारे सभी डॉक्टर्स को या नर्सेज हैं या और हेल्थ वर्कर हैं उनका उत्साहवर्धन करें। विदेश में भी आप देखते हैं कहीं भी ऐसे हमले नहीं हो रहे हैं। सबसे दुखद बात अभी कल परसों सामने आई है कि हमारे चेन्नई के डॉक्टर जो अपोलो में उनका इलाज चल रहा था, कोरोना से पीड़ित थे वो, उनकी डेथ हो गई। तो जब उनकी डेड बॉडी व्याक्रम के लिए ले जाया जा रहा था, उसी समय भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। इससे ज़्यादा दुखद बात क्या हो सकती है कि पब्लिक एक जो अंतिम संस्कार के लिए भी इजाज़त नहीं देती है। इसी सब चीज़ों को लेकर हमारे भुवनेश्वर प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजन शर्मा, उन्होंने ये भी कहा है कि कम से कम हमें जो है IPC की धारा के अंदर एक नेशनल मेडिकल प्रोटेक्शन बिल बनाया जाए, जो कि इस समय गृह विभाग में विचाराधीन है, उस पर अभी कोई डिसीजन नहीं आया है। तो इन सब मांगों को